हमरे गाना पे यार धुआं कहाँ उड़ रहे? यू का है भैया, ऐसा है मजाक न करो। मंदिर पाई हो हम जाने थे, निवर्तन के मामला चल रहा है, हम जाने थे मूरन बार बनवा में आवत गए हम सब, बार बनवाओ चले जा जाओ दर्शन करो मैया के। लाल चुनरिया लाल लाल चले जाओ ना मारब जौन तमाशा पे उल्टी। उठ ओ साहब, नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है? कुछ नहीं। इतना घबराए क्यों? आप लोग कौन हो देवी? यहाँ क्या करते हो साहब? हम लोग मूर्ति की रखवाली करते हैं। मूर्ति की रखवाली? हरिया हरिया, हमें ऐसा लगता है कि सबसे पहले इन लोगों की मौत आई है। हवलदार उठ। अरे हवलदार नहीं, हवलदार। ओ तेरे साहब कहाँ? साहब गए हैं लंच। चल बुला बुला, अपने साहब को बुला। भैया आओ आओ, तुम्हारा मैया न तुदवाए। साहब भरो साहब, आवाज लगा आवाज नहीं निकल रही। उठ बोला, अपने साहब को बोला। हवादार चल बोला ऐसा है, ऊंची आवाज में मत बोलो, मैं अपने साहब को बुलाता हूं। मेरी आवाज में साहब सुनते लौटते चले आएंगे। मैं काहे का कर रही हूं, साहब को बुलाता हूं। चल आवाज लगा। कोई नहीं आएगा। काश तेरा साहब मेरी नजरों के सामने आता, इतनी गोली मारती कि उसकी सूरत पहचाने पर ऐसे फिर नफरत करता। हवलदार मैं आई हूँ मूर्ति लेने। ले जाओ इतनी आसानी से? ठीक है, हमारा कौन काम है का, ले जाओ। मूर्ति लेने आई हूँ, मूर्ति तो ले ही जाऊंगी। जब कभी तेरा साहब आए उससे ये बता देना कि अगर जो उसे मूर्ति की जरूरत है तो नंबर 3 गुफे में डाकू हसीना से मुलाकात कर। हवादार शायद तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। हवादार हवलदार हवलदार, तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना।
उठ, तुझे तो याद होगा याद करो दिन याद करो उस बगिया को जिस बगिया में तुझको रेला था। जब मैं आई थी तुम लोगों के पास रिपोर्ट लिखवाने याद आया, हाथ जोड़ती थी पैर पड़ती थी, मेरी एक भी न सुनी, मैं चीखती और चिल्लाती रही, तुम लोग मुझे भेड़िए की तरह से दोस्ते रहे, लूट सब हमारी बर्बादी का कारण तू है हरामजादे। ओ सिंगी भाई क्या वहाँ आए, इस वक्त पर कहाँ है साहब बता।
ये तुम्हारा कौन है? भाई है। तुम्हारा भाई है? अच्छा, इधर ये क्या बार बार टो रहे हो? इधर दिखाओ, इधर बार बार गरम नहीं लगती तुम्हें? ये क्या है? मारती हूँ से हो, चिल्ला साले तुम रहे हो। ये क्या हो रहा है? उठ खड़ा हो, ये सब क्या है? यू ऐसा है कि हम जोड़िया भाई आए हैं। जोड़िया भाई? हाँ, यू ऐसा है, एक कचौली पचौली दोनों पैदा भी है। थरा मारती उसे तुम चिल्लाते, तुम्हें मारती वो चिल्लाता। थरा कतरा है कि हम अम्मक दूध पिए हैं, यू बप्पक दूध पिए हैं। ये बात सही है? हाँ, ये बप्पक दूध पी। तुम्हारे पप्पा दूध देते हैं? लो लंबा लंबा पिए है लिखा। अब नहीं समझ में आवा, ये हमारे पापा गए डेयरी और वो कहा बहुत होता, अरे वहां है फुल पुष्पला और उनका लगाई मुहमा बता दे सर रावत पर लगाई ना सब। चलो ठीक है, आए इधर आ, ये लो। अब मैं ये जानना चाह, जब तुम दोनों सगे भाई हो तो जिस एक जान है, चलो तुम अभी से मारो। तुरंत होगा, जब दो जिस्म एक जान है उसे मारते तो तुम्हें तुम क्यों नहीं चिल्लाते? चोट तो तुम्हें लगनी चाहिए। अब लियो तू सुन नहीं पाई, हम चिल्लाते रहे हाँ, लेकिन तुम सुन नहीं पाए तो कोई का कर। तुम लोग हमको पहले ही समझ रहे हो। इधर इनमें कोनो कहे बात, ये लो चलो तुम मारो। हेलो,
कोई जरूरी है कि इंसान जब खड़ा हो तभी उसे मारो? किसी से कहोगे हम तुमको गोली मारने जा रहे हैं तो इससे पहले वो तुम्हें छोड़े? तुम दोनों के लिए शर्त है, खड़े हो, एक दूसरे के कान पकड़ो, पकड़ो। और जब तक कि मैं मूर्ति लेकर काफी दूर निकलना चाहूं, तुम लोगों के लिए शर्त क्या है? क्या? उठी बैठी लगाओ। हम लोग पुलिस वाले, तुरंत रख, तुरंत रख, पुलिस वाले। चलो पकड़ो, चलो पकड़ लिया, मैं मौत भी आने है। शुरू हो जाओ। मूर्ति की जरूरत है तो गुफा नंबर 3 में आके डाकू हसीना से मुलाकात करी। अरे जब वो बच्चे जाएगी तब। चलो मौका हमारा।
फन या तो ये कई बयान ना पैसा तू मत छोड़ दे हो या तो वही बयान कर हमारे मार मैया कबूतर भागत तुम लोगों की वजह से डाकू साहब इसी चक्कर में ना भरो क्यों हमारे एक आइडिया है कौन आइडिया है समूल्य डिपार्ट के जितने अधिकारी हैं साहब सबका बुला लीजिए यहाँ तक दोनों पुलिस इंस्पेक्टर घनश्याम हैं राधे श्याम हैं ताज मोहम्मद हैं सभी अधिकारियों को बुला लीजिए साहब साहब इधर आओ बात में तुम युवा कहते साहब सबका बुला लियो एक तरकीब से डाकू हसीना मिल जाए तरकीब अरे अरे पूछबो न करे तो हम कहा बताए साहेब कहाँ तरकीब अब छोट मुँह तो कहा करिए बतलाओ साहेब परचून की दुकान से परचून की दुकान से 2 लीटर कड़वा तेल मंगो अबे तो कड़वा तेल क्या होगा अरे वारे साहेब दिमाग तो सुनो हवादार का कैसा दिमाग तू लीटर करुवक तेल मंगाओ मंगा लिए समझ मंगायो उसके बाद समूल्य डिपार्ट भर जितने अधिकारी हो सब एक कमरा में यहाँ बंद हो मैं कमरे में हाँ अरे साहब हमारी बात तो सुनियो दिमाग दिमाग हमारा फिर कमरे में क्या होगा एक कमरे में सभी अधिकारी बंद हो जाओ उसके बाद वो साहब उसके बाद सब मेरे गांव में रहो हरिया हरिया सदा जय तुर्के माँ की कृपा से इस लूट में कामयाबी हुई है क्यों न सदा जय ये मूर्ति सरदार तक पहुंचाओ ठीक है ले जा हरिया नहीं रूपा हमारी जिंदगी का मकसद ये नहीं हमारी तो जिंदगी का मकसद उन सालिमों की तबाही है जिसने मेरा मुझसे सब कुछ छीन लिया है राना राना मैं तेरी मौत बन करके आता हूं राना तेरी मौत आज मैंने सपने में क्या देखा कि यमराज भैंसे पर बैठे हुए मेरी ही ओर आ रहे ऐसा सपना मैंने जीवन में पहली बार देखा है इतना डरावना सपना वो भी राणा ऐसा नहीं हो सकता चल करके सारी बातें आज राजा भैया से जरूर बताऊंगा मुझे चलना चाहिए तुझे कर दिया बच करके ठहरो कौन हो तुम लोग जो इस तरह से हमारी हवेली में दौड़े चले आए तेरी मौत मेरी मौत मौत का दूसरा नाम रूपा है रूपा कौन है रूपा जिसकी तुम लोगों ने इज्जत लूटी थी ओ याद आया तो तुम अभी भी जिंदा हो अरे तुझे तो चुल्लू पर पानी में मर जाना चाहिए था मर गई मर गई वो सीधी साधी रूपा मर गई उस रूपा को तो तुम लोगों ने डाकू हसीना बना दिया याद करो दिन जब मैं चीखती और चिल्लाती रही तुम लोग मुझे भेड़ी की तरह से नोचते रहे आज आज वही रूपा तेरी मौत बन करके आई है हरिया गरम कर इसे
चिल्ला, शोर शोर से चिल्ला, मुझे माफ कर दो। आज तेरे लिए माफी के दरवाजे बंद हो चुके राणा। लौट सब। चिल्ला, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं। ठीक है भाग जा। सदा जी राणा मर गया। हाँ सदा जी, खत लेकर आ। राजा आज तो तेरा एक साथी मारा गया। कसम है मुझे माँ भवानी की, जिस दिन तू मेरी नजरों के सामने आया, मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। तुम तीनों की लाश यशवी के हवाले न किया तो मेरा नाम हसीना नहीं, एक के नाम की गोली तो इसे मिल चुकी है। तुम लोगों के तीनों के नाम की गोली भी मेरे पास मौजूद है, डाल देखा था मेरे साथ। अरे भैया, ये रास्ते में शराब पी करके कौन पड़ा हुआ है? राजा भैया बदमाश साला, अरे देखो कितने शराब पी लिया है, रास्ते में लेट गया है। अरे पागल हो गया क्या? कोई घर नहीं है तो चल, इतने शराब पी कर ले। कैसे क्या हुआ? किसने खत कर दिया? किसने निर्दयी ने खत कर दिया? क्या है ये? क्या है भैया? ये लाश पे खत पड़ा था, इसमें क्या लिखा है? पढ़िए। इसके नाम की तो गोली, गोली इसके नाम की गोली तो इसे मिल चुकी है, बाकी की मेरे पास तीन गोलियां हैं, कल सुबह मैं अपने दलबल सहित आऊंगी और एक एक गोली जिसके नाम की है उसके सीने में उतारूंगी, उसके बाद तीनों की लाश यशपी के हवाले करूंगी। यशपी के हवाले? डाकू हसीना। ये डाकू हसीना कौन है? अरे भैया ये डाकू हसीना कौन सी वाला है, कौन है ये? राजा भैया, अरे भैया हमारा नाम कटवा दीजिए,